नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई दुबई के बारे में। जी हाँ साथियों, दुबई भी भाई खतरनाक मोड़ पे अभी चल रहा है। मैं बता दूं, आज से 2 महीने 3 महीने पहले एवरेज कोरोना अपडेट कितना आता था रोज। पहले 700 800 फिर 1000 1200 1300 1400 तक बढ़ा, लेकिन अभी की स्थिति खराब है यूएई की हम बात करें। जी हाँ, अगर यूएई में देखिए, कोरोना को देखते हुए सरकार ने कुछ अपडेट जारी किए जो आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है, जो लोग यूएई जाना चाह रहे हैं इंडिया से खास तौर से। बाकी और कंट्रियों के तो अपनी तो अपने लाइक के जो देश है, एशियन कंट्री, सबको बैन करके रखा है। इंडिया के अलावा सब वीजा बंद है, वर्क परमिट वीजा भी बंद है। उम्मीद की जा रही थी कि वर्क परमिट वीजा मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये कोरोना अपडेट इस तरह से बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता। अभी पता है कितने कोरोना रोज के आ रहे हैं केस, एवरेज देखा जाए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, 4000 के करीब पर डे केस आ रहे हैं कोरोना के दुबई में। जी हाँ, यूएई में जो बैंकर वाला माहौल था ना, तब भी इतने केस नहीं आ रहे थे। यूएई में 1000 1500 के करीब एवरेज आ रहा था, लेकिन अभी की अगर डेट देखें 27 28 29 30 जनवरी की, तो लगभग 3500 4000 के करीब बीच में केस आ रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। अभी अगर कोरोना के अपडेट की बात करें तो बता दूं, आज तक की बात करें तो समथिंग 3 लाख से प्लस केस हो चुके हैं कोरोना के। जी हाँ साथियों, अगर डेथ की बात करें तो 850 के करीब अभी तक लोगों की डेथ हो चुकी है। जी हाँ, और रिकवरी की बात करें तो लगभग 2,70,000 प्लस रिकवरी केस अभी तक कोरोना के हुए हैं। इसको कोरोना अपडेट बढ़ रहा है, यानी अपडेट का मतलब अपडेट भी हो रहा है, यानी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, ये समझ लीजिए। तो यूएई सरकार ने कुछ एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ नए अपडेट जारी किए, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जो 31 जनवरी यानी आज के डेट से स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, कोरोना के मामलों में होते जो बढ़ोतरी हुई है उसको देखते हुए बता दूं, वहां के जो दुबई का सिस्टम है, सरकार है, उन्होंने कुछ परिवर्तन कर दिए। नई शर्तों में बता दूं, कोविड जो 90 रिपोर्ट, आप कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेके जाते थे, नेगेटिव रिपोर्ट, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था 96 आवर्स वो अवेलिड होती थी। जी हाँ, इसी को मैं बता दूं, सरकार ने कहीं ना कहीं इसको चेंज करते हुए, क्योंकि पॉलिसी कहां से दे सर, जो एक दूसरे पॉलिसी क्या होता है, नियम कैसे बनते हैं, एक दूसरे के देशों को देख के तो बनते हैं ना। कि भाई उसमें सऊदी ने 72 इयर्स का कर रखा था, कुवैत ने 72 इयर्स का कर रखा था, और दुबई में यूएई में मात्र 96 आवर्स का था, लेकिन उन्होंने भी भाई जिस तरह से केस बढ़ने लगे तो 72 आवर्स यानी 72 घंटे का आपके पास समय है, आपका टेस्ट होने के बाद 72 घंटे आपको एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए चाहिएंगे, यानी सीधे सीधे आपके 24 घंटे कम कर दिए हुई सरकार ने। जी हाँ, ये कोरोना को रोकने का एक उनको लगा कि भाई ये वो हो सकता है, तो इससे रिलेटेड आपको ध्यान में रखना चाहिए, 96 आवर्स आप वैलिड नहीं है 31 जनवरी यानी आज की डेट 2021 से हम बात करें तो। जी हाँ, इसके अलावा अगर आप 1 2 घंटे भी ऊपर हो गया तो भाई रिटर्न आना पड़ सकता है एयरपोर्ट से। दूसरा अपडेट ये था कि भाई काफी सारी, मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, काफी कंट्रीज ऐसी थी ग्रीन, जिनको सिग्नल मिला था ग्रीन कंट्री, जिनमें कोरोना कम था या बिल्कुल 0 के बराबर हो गया था, उन देशों को वहां से रिपोर्ट लेके आने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एयरपोर्ट पे कोविड टेस्ट होता है फिर वो निकल जाते, लेकिन अभी उनको भी कोविड रिपोर्ट वहां से लेके आनी पड़ेगी। ये यूएई सरकार ने साफ साफ बोल दिया है, कोरोना महामारी को केस को स्टॉप करने के लिए एक तरह से रोकथाम के उद्देश्य से उठाया गया कदम बताया गया है। जी हाँ, केवल सिर्फ अमीराती जो लोकल लोग हैं किसी देश में वो गए हुए हैं, उनको रिपोर्ट लेके आने की जरूरत नहीं है, उनका एयरपोर्ट पे हो जाएगा, अगर उनका पॉजिटिव भी आ जाता है तो उनको क्वारंटाइन की व्यवस्था है, तो वो अपनी घर पे जाके रह सकते हैं, तो उनके लिए लोकल अमीराती के लिए छूट है, बाकी कोई भी कंट्री का जाओगे तो उनको रिपोर्ट साथ में लेके जानी पड़ेगी। जी हाँ, जो लोग कहीं का इंडिया के भाई, खास तौर से इंडिया वाले देख ले, आपके लिए 72 आवर्स ही वैलिड है, आप किस तरह से करते हो क्या करते हो आपकी प्रॉब्लम है, बाकी इनको केस को देखते हुए आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं, एवरेज 20 जनवरी के बाद में 3500 से 4000 पर डे केस कोरोना के आ रहे हैं, छोटी सी कंट्री होने के बावजूद भी। जी हाँ, आप सोचने की बात है, इसी वजह से सरकार ने इस पे कड़ा कदम उठाया है। बाकी अगर और कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।